हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके भी लिप्स पिगमेंटेड हैं, ड्राई हैं, फ्लेकी हैं एंड यू रियली वांट अ गुड लिपस्टिक एप्लीकेशन? तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे भी लिप्स पिगमेंटेड एंड ड्राई हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ करेंगे एक स्क्रब। सो मैं ले रही हूँ जूसी केमिस्ट्री का ब्लड ऑरेंज लिप बाम एंड इसको मैं अपने लिप्स पे इस तरह से लगा लूँगी। और मैं ले रही हूँ बाथ सूत्रा का एक लिप स्क्रब। आप कोई भी लिप स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। एंड मैं इस तरह से अच्छे से सॉल्ट को अपने लिप्स पे रगड़ रही हूँ ताकि जो भी ड्राई और फ्लेकी स्किन है मेरी लिप्स पे वो निकल जाए और एक लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए जो बेस है वो स्मूथ हो। सो लिप स्क्रबिंग के बाद मैं लिप बाम फिर से लगाऊंगी एंड इसे लगे रहने दूंगी। और तब तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना पूरे फेस का मेकअप ख़त्म कर लूँ, और तब तक जो ये लिप बाम है मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज कर देगा। और यहाँ पे आई एम जस्ट डूइंग माय मेकअप रेगुलरली, और जब लिप्स की बारी आएगी मैं अच्छे से एक टिश्यू से अपने लिप्स ब्लॉट करूँगी ताकि एक्सेस जो ज़्यादा लिप बाम है वो टिश्यू पे आ जाए और लिप्स तैयार हो जाएं लिपस्टिक के लिए। आपने अपनी पिगमेंटेशन कम करनी है लिप्स की, सो आपने कोशिश करनी है कि आप कंसीलर या फाउंडेशन लगा लें, और तभी लगा लें जब आप अपनी फेस की कर रहे हो फाउंडेशन या कंसीलर, ताकि एक इवन टोन बन जाए एंड जो लिपस्टिक की पिगमेंटेशन है वो रिच आए। नाउ हम लगाएंगे एक लिप पेंसिल। तो यहाँ पे मैं लिप पेंसिल ले रही हूँ निक्स के, और आई एम यूजिंग रेड लिप पेंसिल। आप कोई भी शेड कर सकते हैं इस टेक्निक से, इट विल लुक ब्यूटिफुल। आई एम जस्ट लाइनिंग माई लिप्स, क्यूपिड बो से स्टार्ट करके मैं अपने लिप्स लाइन कर रही हूँ एंड फिर मैं इसको फिल इन करूँगी। बहुत ज़्यादा फिल इन नहीं करूँगी बिकॉज बहुत ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि लिप पेंसिल नॉर्मली ड्राई होती है। हल्का सा फिल इन कर रही हूँ ताकि ये एज अ प्राइमर यू नो एक्ट करे मेरे लिप्स के लिए। अगर आप इस टेक्निक से लिपस्टिक लगाते हैं तो आपकी लिपस्टिक भी ज़्यादा देर तक लास्ट लॉन्ग करेगी। सो अब चलते हैं लिपस्टिक पे। जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है शुगर की रेड जेपलाइन। और हमेशा स्माइल कीजिए ताकि आपके लिप्स के जो भी क्रैक्स और स्पेसेस हैं उसमें लिपस्टिक फिल इन हो जाए। तो इस तरह से स्ट्रेच करके अपने लिप्स को आप अपनी लिपस्टिक लगानी शुरू कीजिए, जस्ट लाइक दिस। और स्टार्टिंग में वही अपने लिप लाइन के पास लगाइए और बाद में जो इनर स्पेस है उसे फिल कीजिए। इस तरह एक स्मूथ एप्लीकेशन आएगी लिपस्टिक की एंड बहुत ही रिच पिगमेंटेशन आएगी। ऑल्सो लिपस्टिक की साइड से अपने लिप्स के कॉर्नर ज़रूर फिल कीजिए, बिकॉज कई बार वो फिल नहीं होते तो बहुत ऑड लुक आती है। एंड देन जस्ट क्लीन योर लिप लाइन्स लास्ट में। और फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी बाहर लिपस्टिक इधर उधर हो रही है, देन वी कैन ऑलवेज क्लीन अप विद अ कंसीलर, जो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। अब मैं ले रही हूँ कंसीलर और एक शेडर ब्रश, और मैं अपने लिप्स की एजेस क्लीन कर रही हूँ ताकि एक क्लीन शार्प लुक आए और बहुत फ्लॉलेस लगे हमारी लिपस्टिक। ऑल्सो आप जो कंसीलर लगा रहे हैं एजेस शार्प करने के लिए, उसे अपनी फाउंडेशन के साथ अच्छे से ब्लेंड इन कर लीजिए ताकि वो ऑड लुक ना लगे। लास्टली क्यूपिड्स बो पे थोड़ा सा लगाइए हाइलाइटर ताकि आपके लिप्स एकदम बोल्ड लगे एंड यू नो नोटिसेबल लगे। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई लिपस्टिक वेरी नाइसली ऑन पिगमेंटेड लिप्स। और आप न्यूड लिपस्टिक भी इस से लगा सकते हैं स्टाइल से, इट विल डेफिनेटली लुक गुड। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी।